नमस्कार, आप सबको दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि दिवाली के अवसर पे आप कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे और आपका जो आने वाला लक्ष्य है उस लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और दिवाली की छुट्टियों के बाद अपने लक्ष्य पे आप फोकस्ड हो जाएंगे। एक बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। जिन अभी यूजीसी नेट का रिजल्ट आया था, बहुत सारे बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ, बहुत सारे बच्चे JRF हुए, बहुत सारे बच्चे PhD के लिए भी क्वालिफाई किए हैं। फिर से आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने के चांसेस हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम खींचेगा तो आपका जनवरी या फरवरी आ सकता है। अगर एनी कंडीशन, अगर आप लोग चाहने से कि अब टाइम कम मिल रहा है तो सकता है ये एग्ज़ाम जो है वो जनवरी फरवरी में जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं खींचने वाला है और उससे ज़्यादा खींचना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप ही का नुकसान है। इस वीडियो में प्रॉपरली हम पेपर वन की बात करेंगे कि अब आप लोग एक बात तो समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट पे आपकी कितनी अच्छी पकड़ हो। जब तक आप पेपर वन पे अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे आप JRF तो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ आप हो सकता नेट हो जाइए, लेकिन JRF होना बहुत ही मुश्किल है। कट ऑफ आपने इस बार देख लिया और ये कट ऑफ दिन ब दिन बढ़ जाएगी। कट ऑफ बढ़ने के तीन कारण मैंने आपको पहले ही बताया था। पहला कारण है, सबसे पहले तो इसमें इन्होंने चार साल के ग्रेजुएशन वाले को जो बना दिया था कि वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बीटेक वाले बच्चे घुस गए इसमें, जहाँ भी इंजीनियरिंग के बच्चे घुस जाएंगे वहाँ की कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे बीटेक के बच्चों, बहुत सारे इंजीनियरिंग के जो मेरे जूनियर्स रहे हैं, मैंने मेरे पास कॉल किया सर क्या हम लोग भर सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में अप्लाई किया, तो सारे लोग भर रहे हैं तो कट ऑफ बढ़ जानी है। अब आपका कॉम्पिटिशन जो है नॉन बैकग्राउंड लोगों से भी होने लग गए हैं, तो आप समझ के चलिए कि पेपर वन में अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आप JRF कभी नहीं हो पाएंगे। हो सकता है अगली बार नेट भी नहीं हो पाए, क्योंकि नेट का भी कट ऑफ बढ़ेगा, कट ऑफ बढ़ता ही जाएगा। अभी जो 100 नंबर पे JRF हो रहा है, हो सकता है कुछ दिन में 110 105 पे होने लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, इस वीडियो में हम प्योरली पेपर वन के बारे में बात करेंगे, बहुत ही शॉर्ट्स में बात करेंगे। वीडियो को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा। एज अ टेक्निकल बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा टेक्निकल तरीके से इसको बताने का प्रयास करूंगा पेपर वन, क्योंकि पेपर वन जो है ना वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं भी आपको दिखाता हूं कि तीन पार्ट क्या हैं और पूरी एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए, क्लासेस लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहिए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। चलिए शुरू करें, इसमें आपको बता देता हूँ कि पेपर वन को मैंने यहाँ तीन पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है पेपर वन के? पेपर वन को मैंने तीन पार्टों में डिवाइड कर लिया है और उन्हीं के बेसिस पे आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्या करना है, कुछ काम समझ लीजिए क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है सिलेबस। मैंने 10 बार कहा कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले सबसे पहले आपको उसके सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। जब आप सिलेबस को देख लीजिए तो अगला चरण होता है, स्टेप होता है PYQ। उसके PYQ के देख लीजिए कि उस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। पता लगा आप पढ़ते IIT लेवल का पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम में ITI लेवल का पूछ रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि किस लेवल का एग्ज़ाम पूछ रहा है। ठीक है, PYQ को आपने अच्छे से देखा। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है रिसोर्सेस कि किस रिसोर्स से आपको पढ़ना है, कौन सी किताबें इसके लिए ज़रूरी हैं, कौन सी रिसोर्स मैं पढ़ूं कि मेरा ये एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाए। ठीक है, PhD आपको करनी है क्वालिफाई करने के बाद, नेट के लिए PhD नहीं करनी है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए PhD नहीं करनी है, PhD आपको करनी है जब ये क्रैक हो जाएगा तब। ठीक है, अपने सब्जेक्ट में करनी है, वो भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में करनी है। तो पेपर वन में आपको PhD नहीं करनी है कि दुनिया भर का कोर्स खरीद लिए, वो खरीद लिए, 5,000-10,000 फूक दिए पेपर वन में। मैं कहता हूँ कि जो भी बच्चा पेपर वन के कोर्स में, पेपर वन का कोर्स, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि पेपर वन आप फ्री में पढ़ो। मैं कभी नहीं कहता कि मेरा भी कोर्स लो। हमारे HN अध्ययन एप्लीकेशन पे, HN अध्ययन ऐप पे जाइए, आप फ्री वाले सेक्शन में जाएंगे तो हम लोग पेपर वन का पूरा मैराथन कराया हुआ है। अगर आप में कैपेसिटी है खुद से पढ़ने की तो जाइए, पूरी मैराथन डबल की स्पीड से लगाइए, 20-25 घंटों में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए। और पेपर वन में अगर इससे ज़्यादा कुछ करते हैं तो बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बच्चा खुद से नहीं कर सकता है, जिसके बेसिक स्ट्रांग नहीं है, उनको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ज्वाइन करना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ ज्वाइन करना चाहिए ताकि उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए। तो मैंने क्या क्या बात करी, सबसे पहले मैंने कहा सिलेबस देखिए, फिर PYQ देखिए, PYQ देख के आपको समझ में आएगा कि इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, फिर आप रिसोर्स अपना डिसाइड कर लीजिए और फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब मैं पेपर वन का जो मेरा
एनालिसिस रहा है जो मैंने पेपर वन को बहुत डीप तरीके से समझने का प्रयास किया, तो उस हिसाब से मैंने पेपर वन को तीन सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। कितने सेगमेंट में डिवाइड कर दिया? तीन। पहला सेगमेंट है जिसमें मैंने डाला है इन्वायरमेंटल साइंस, यानी कि ईवीएस जिसे आप बोलते हैं, पर्यावरण जो भी आप बोलते हैं उसको। फिर एचई यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम। फिर मैंने आईसीटी और फिर मैंने कॉम्प्रिहेंशन। एक दो तीन चार टॉपिक को मैंने सेक्शन वन में डिवाइड किया है। ठीक है, क्यों डिवाइड किया बता देता हूँ आपको। इन्वायरमेंटल साइंस, हायर एजुकेशन, आईसीटी और कॉम्प्रिहेंशन, ये चारों सबसे इजी टॉपिक हैं पेपर वन में, जहां आप बहुत ही इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इसमें नहीं पढ़नी है, बेसिक चीज़ें आपको जानकारी चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस में। हायर एजुकेशन में कुछ भी नहीं, हायर एजुकेशन केवल हिस्ट्री है। हायर एजुकेशन अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री है। हिस्ट्री के टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने होते हैं थोड़ा बहुत, कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कब इस्टेब्लिश हुआ, इस इंस्टीट्यूशन का संबंध किससे है, ईयर, यही सब पढ़ना होता है। कुछ उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं हैं। सेटलर कमीशन, वुड डिस्पैच, यही सब पढ़िए, कि नालंदा विश्वविद्यालय, कुल मिलाकर के वो हिस्ट्री है। तो मैं इस पोर्शन को जो है मैं जीएस वाला पोर्शन मानता हूँ। और आईसीटी कंप्यूटर में भी बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछ जाती हैं आपको। आईआईटी या आईटीआई लेवल की चीज़ें, यहाँ आईटी लेवल की चीज़ नहीं पूछाएंगी, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पूछाता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एक बार अगर आप उसका बेसिक चीज़ें समझ लेंगे, जो एक बेसिक पर्सन को बताना चाहिए, वही आईसीटी में पूछना चाहिए, वही आईसीटी में आता है। और अगला है कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन दे देगा। आप हिंदी मीडियम को हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, मैं 100 बार कहता हूँ कि जिस भी मीडियम को, लेकिन हिंदी में पढ़ लेंगे कॉम्प्रिहेंशन, तो 5 नंबर जितने भी क्वेश्चन आते हैं फ्री आप मार्क्स हैं, ये फ्री के मार्क्स मिलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो 1 2 3 4 टॉपिक इतना इजी है ना, जहाँ से आप बहुत ही ईजिली मार्क्स रिगेन कर सकते हैं। और आई थिंक ये टॉपिक मिला के आपको 20 मार्क्स के आसपास दिला देंगे। ठीक है, फिर अगला टॉपिक मैं बताता हूँ, जो उसको मैंने पहला टॉपिक मैंने जीएस के सेक्शन में डाल दिया, कि ये जीएस के टॉपिक में आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें एनवायरमेंटल साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन, कुछ कॉम्प्रिहेंशन, कुछ हायर एजुकेशन या हिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो टॉपिक मैंने डिवाइड किया है वो मैं कहता हूँ ये टेक्निकल टॉपिक है, जिसे मैथ्स, जिसमें आएगा आपका मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन, डीआई जिससे आप लोग को बहुत डर लगता है। मैं 2 घंटे की डीआई, 2 आवर की एक डीआई का सेशन लेने वाला हूँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूंगा, कंप्लीट डीआई करा दूंगा आपको, बेसिक्स लेकर कि जितना यूजीसी नेट का लेवल जो है करा दूंगा। पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, उससे बेहतरीन डीआई का कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई बताएगा, चाहे आपका विषय कुछ भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी विषय से अगर आपको डीआई से डर लगता है, मैं 2 घंटे का डीआई का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और दिवाली के बाद मैं इसको डाल दूंगा, आपका डीआई क्लियर हो जाएगा। कुछ भी उसके अलावा डीआई में आपको नहीं पढ़ना है। तो जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है? टेक्निकल पार्ट है। इसमें आपको मैथ्स पढ़ना है, डीआई पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है और रीजनिंग पढ़नी है। ठीक है, ये टेक्निकल पार्ट से जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, हिंदी साहित्य वाले होते हैं या लिटरेचर वाले, संस्कृत, उनको बहुत डर लगता है, वो बेचारे यहीं पर लैग कर जाते हैं। इसी वजह से अब क्या है, पहले तो आपको सब्जेक्ट में, जैसे आप देखेंगे हिंदी का कट ऑफ लास्ट ईयर आई थिंक 180 के आसपास ज़ियारफ हो गया था, इस बार 200 के आसपास ज़ियारफ हुआ है, तब वो 220 मार्क्स का जो डिफरेंस आया है, ये आप कैसे अपने सब्जेक्ट में नहीं खींच पाओगे कि जब तक आप पेपर में अच्छा नहीं करोगे। तो आपको ये पार्ट भी अच्छा करना पड़ेगा, इस पार्ट को भी आपको अच्छा करना पड़ेगा, जो मैंने कहा टेक्निकल पार्ट है। जो थर्ड पार्ट मैंने डिवाइड किया है उसको मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्चुअल पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? कॉन्सेप्चुअल पार्ट, जिसमें आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। इस पार्ट को मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस पार्ट में आपको रटने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की आवश्यकता होती है। टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन, चाहे तो आप आईसीटी का भी कुछ सेक्शंस में डाल सकते हैं। अगर आप इस पार्ट का को आपने कहीं से वीडियो के माध्यम से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो एग्जाम में क्या है ना, आप इजीली अपने जो ऑप्शंस है ना उसे एलिमिनेट करके आप सही ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। तो ये पार्ट भी बहुत ही इजी होता है। जिनका ये पार्ट जो है वो कमज़ोर है, जिनका ये पार्ट वीक है, वो उनको इस पार्ट पे अपने क्या कहते हैं, इस पार्ट को स्ट्रांग बनाना चाहिए। 1-2 बार आप अच्छे से कोई वीडियो देख लीजिए, लेक्चर देख लीजिए, 2-4 बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, तो आप ऑप्शंस को बहुत ही इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि जो सिलेबस का ये 3 पार्ट मैंने डिवाइड किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जब आपने सिलेबस समझ लिया तो आपको लगाना है PYQ।
पी वाई क्यू लगाना। मैं सबसे जो बार बार कहता हूँ कि पेपर वन के लिए पी वाई क्यू सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जो बच्चा पेपर वन का पिछले 5 साल 10 साल का पी वाई क्यू लगा के चला जाए उसका 40 से कम सवाल सही हो ही सकता है। बस आपको इन पार्ट्स पे एक बार, इसके लिए आपको 30 यानी कि 25 से 30 दिन से ज़्यादा नहीं देना है, 25-30 दिन दीजिए, ये सारी चीज़ें खत्म करिए, फिर पी वाई क्यू पे आ जाइए। जितना हो सके मैं तो कह रहा हूँ डेली, अगर आपका लक्ष्य दिसंबर वाला पेपर है तो डेली रोज एक पी वाई क्यू लगाइए, यानी कि रोज एक 50 क्वेश्चन वाला सेट लगाइए, लेटेस्ट शुरू करिए, जितना पीछे आप जा सकते हैं जाइए। जो थर्ड चीज है वो है रिसोर्सेस, पढ़े कहाँ से। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि एक किताब आती है केवीएस मदान, आई थिंक केवीएस मदान की किताब आती है, उस किताब को आप लोग ले सकते हैं जो बेसिक्स आपका सही कर देगी। लेकिन मैं कहता हूं कि पेपर वन में आपको कोई किताब पढ़ना ही नहीं चाहिए। आप यूट्यूब पे जाइए, किसी का मैराथन खोलिए, हमारे भी चैनल पे, हमारे एच एन अध्ययन एप्लीकेशन पे हमने फ्री वाले सेक्शन में डाला हुआ है, वहां से मैराथन खोलिए और आप उसको देख के अपना कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर लीजिए। पेपर वन में अगर आप कोई किताब लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपका दिसंबर टारगेट है, आगे का टारगेट है तो भले आप किताब खरीद लो। एंड लास्ट पॉइंट मैं कहता हूं, क्या किसी क्लास को लेने की जरूरत है? दी मैं कहता हूं कि नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या पेपर वन के लिए कोई कोचिंग लो, मैं कहता हूं नहीं। हाँ, अगर कोई कोचिंग जो आपको 1500 के अंदर क्लास दे दे रही है, 400-500 में क्लास दे दे रही है, तो आप पेपर वन की क्लास जरूर ले सकते हैं। और हमारी संस्था पहली ऐसी संस्था है हायर एजुकेशन सेक्टर में जो यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब की तैयारी 500 रुपए से कम प्राइस में करवा रही है। तो अगर आप पेपर वन की तैयारी करना चाहते हैं तो पेपर वन के लिए हमारा एक शानदार बैच चल रहा है, पेपर वन के लिए हमारा एक शानदार बैच चल रहा है जिसकी कीमत आई थिंक 250 या 300 रुपए के आसपास अभी आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं पेपर वन के लिए, ये पेपर वन के लिए हमारा जो है प्रतिज्ञा बैच, आप प्रतिज्ञा बैच जाएंगे, इसकी प्राइस 499 रुपीज है, लेकिन अभी दिवाली ऑफर चल रहा है तो आपको ये 300 के आसपास मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। इसमें तो एक फाउंडेशन आपको लाइव बैच मिलेगा जिसमें लगभग 80 से 100 लेक्चर के आसपास लाइव क्लासेस मिलेंगी, एक रिवीजन क्लास मिलेगी, जो रिवीजन क्लास मैं कहता हूं ना जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, लगभग इसमें 50-60 लेक्चर होंगे जो पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। तो लाइव क्लास भी मिलेगी रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्डेड क्लास आपको बहुत मदद करेगी जब आपका एग्जाम पास होगा। इस क्लास को आप जाइए धड़ाधड़ सब लगाइए, देख डालिए, 2-3 दिन में खत्म करिए, आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें पी वाई क्यू का बैच क्लासेस भी डाल देंगे, मतलब 2018 से पीछे जाते हुए हम लोग ने कोशिश की है 2018 से 2024 तक जितने पी वाई क्यू क्वेश्चन आए हैं उसको टॉपिक वाइज हल करा दिया जाए, छांट छांट के, जैसे एक ही टॉपिक रिपीट कर रही है ना, तो उसमें से छांट छांट के हम लोगों ने एक पी वाई क्यू का सेशन बना दिया है और ये भी आपको लगभग 20 से 25 घंटे में करा दिया गया। तो हम लोग ने पेपर वन को बहुत खींचा नहीं है कि आपको कह रहे हैं कि 300-400 लेक्चर आप पेपर वन में पढ़े जा रहे हैं, नहीं, टू दी पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें आपको प्रैक्टिस बैच भी दिया जाएगा। तो कंप्लीट तैयारी अगर आप पेपर वन करना चाहते हैं तो हमारा ये प्रतिज्ञा बैच, जिसे 4-in-1 बैच कहते हैं, आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अपने पॉइंट पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रिसोर्स की हमने बात कर ली। अब जो रिसोर्स के बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 10 बार बताया है कि पेपर वन में अगर आपको प्रैक्टिस करना है, पेपर वन में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो पेपर वन के लिए प्रैक्टिस का जो सबसे शानदार तरीका है वो है पी वाई क्यू। इससे अच्छा कुछ भी प्रैक्टिस सेट पूरे मार्केट में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं अवेलेबल है, इस बात को आप समझिए। अगर पेपर वन के लिए आप किसी का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो मैं कहता हूं बेवकूफ़ी है आपका। आप पेपर वन के लिए सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यू लगाइए, कोई टेस्ट कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपका पी वाई क्यू हो जाए तो भले ही आप 4-5 टेस्ट किसी कोचिंग के, किसी संस्थान का लगा सकते हैं। हमारा भी बहुत जल्दी पी वाई क्यू, ये पी वाई क्यू और टेस्ट सीरीज दोनों आने वाला है जो आपको एग्जाम से पहले पहले मिल जाएगा। तो हमने क्या क्या बात करी, कंक्लूड कर देता हूं। सबसे पहले मैंने सिलेबस के बारे में कहा कि आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, जिसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला मैंने जीएस के पार्ट के हिसाब से डिवाइड कर लिया है, दूसरा टेक्निकल पार्ट मैंने बता दिया, तीसरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट बता दिया, ठीक है। तो ये जो आपका जीटीएस पार्ट है, जीएस टेक्निकल और जीटीसी पार्ट है, जीएस टेक्निकल और कॉन्सेप्चुअल, जिसमें आपका मैंने डिवाइड कर दिया कि ये टॉपिक इस पार्ट में आ रहे हैं।
फिर आपको इस पार्ट की जब क्लियरिटी हो जाती है, सिलेबस का क्लियरिटी हो जाती है, तो आपको पीवाईक्यू देखना है। जब आप इसको पढ़ लेते हैं देन आप पीवाईक्यू देखते हैं। पीवाईक्यू के बाद आप रिसोर्सेज जाते हैं। रिसोर्सेज मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहें तो हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियो, हमारे अचल अध्ययन में भी फ्री है। फिर जब आप रिसोर्सेज क्लियर कर लीजिए, बुक खरीदना नहीं खरीदना है, बिल्कुल नहीं खरीदना है अगर आप दिसंबर तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप दिसंबर तैयारी नहीं कर रहे हैं आगे के हैं तो भले ही आप किताब खरीद सकते हैं। उसके अलावा आपको खरीदना है, लगाना है, करना है प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सिलेबस पे ध्यान दीजिए, पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, रिसोर्स पे अपना एक फिक्स कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए। अगर ये टेक्निक आप अपनाते हैं तो आपका 40 से 45 प्लस पेपर वन में बहुत ही इजली सही हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। फिर आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर पाएंगे। और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसका भी आपका दिया जाएगा उत्तर। बाकी लगे रहिए, जुड़े रहिए, एचएन अध्ययन एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि कम प्राइस में पढ़ने वाले बच्चे जो अधिक पैसों की फीस में या अधिक फीस की वजह से बैच नहीं ले सकते, हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।